हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगी और एक इसका रामबाण इलाज बताऊंगी जो आप घर पर ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बीमारी क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो रक्त के अंदर पाया जाता है। शरीर को इसकी ज़रूरत कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी होती हैं, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो यह हार्ट डिजीज की वजह भी बन जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स और तेल से बनी चीज़ों को खाने से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL लेवल बढ़ने से खून की नसें या धमनियां बंद हो सकती हैं, जिससे हृदय रोग, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मेरा अगला पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। हल्दी वाला दूध निश्चित रूप से पिएं, अलसी के बीज खाएं। अलसी के बीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल तत्व पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और लेनोलेनिक एसिड, जो सीधा सीधा बैड कोलेस्ट्रॉल पर वार करता है और काफ़ी असरदार भी होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अलसी के बीज का सेवन तो ज़रूर ही करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने का रामबाण इलाज क्या है। लहसुन, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल होगा कंट्रोल। लहसुन से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको हर सुबह लहसुन की एक कली को गुनगुने पानी में डालना होगा। इसके बाद यदि आप इस गुनगुन पानी को पीते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। यह तरीका बहुत ही आसान और सरल है और इससे 100% कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप खान पान में शामिल करेंगे तो आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे लहसुन, 3 ओट्स, सोयाबीन और दालें, नींबू, ऑलिव ऑयल और ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम, अखरोट और पिस्ते में पाया जाने वाला फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन्स बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।